सर स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, यदि आप जो है कंप्यूटर कोर्स करते हैं या फिर आपको जो है फोटोशॉप सीखना है तो आपके पास में लैपटॉप डेस्कटॉप जो होना जरूरी है। तो यदि आपके पास में लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप नहीं है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से फोटोशॉप कोर्स कर सकते हो। यदि आप एक स्टूडेंट हो तो भी आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस ऑप्शन की मदद से आप जो बगैर किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया ऑनलाइन जो अपने मोबाइल फ़ोन से आप फोटोशॉप का बिल्कुल कोर्स कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ बिना एप्लीकेशन का भी आप इसे कैसे चला पाओगे, इस वीडियो में पूरा कम्प्लीट जानकारी देने वाला। आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना। जैसे गूगल क्रोम ओपन कर लेते हो तो आपको टाइप करना फोटो पी। जैसे ये टाइप कर दे तो अब आपके सामने में ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में आपको एक क्लिक कर देना। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने में ये जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है ये सेम टू सेम आपको फोटोशॉप जैसा ही सारा चीज़ इसमें दिख जाएगा। ए टू जेड जैसा फोटोशॉप में ऑप्शन रहता है सारा का सारा चीज़ इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे आपको फाइल लेना है या फिर एडिट ऑप्शन का यूज करना है, फिर इमेज का, या फिर यहाँ पे लेयर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट है, फिल्टर है, ये सारा का सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जितना भी टूल्स आप यूज करते हो फोटोशॉप में उससे कई गुना ज़्यादा इसमें जो है टूल्स वगैरह मिल जाएगा। और यदि आप फोटोशॉप सीख रहे हो तो आपको 100% यहाँ पर जो है पूरा का पूरा यहाँ पे लैब हो जाएगा और अपने मोबाइल फ़ोन से कहीं पे भी आप कर सकते हो। इसमें किसी भी तरह का आपको परेशानी नहीं होगा। ये बिना एप्लीकेशन इंस्टॉल किए आप इसको बेहिचक यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं यदि आप इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो अपने मोबाइल फ़ोन में, ये जो प्रोसेस अभी आपको दिखाया इसमें बिना इंटरनेट का आप इसे नहीं चला पाओगे। लेकिन अगर आप बिना जो इंटरनेट का अपने मोबाइल फ़ोन में इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन आपको फ्री में मिल जाएगा प्ले स्टोर में, तो वहाँ पे आपको जाना और इंस्टॉल कर लेना है। फाइनली यदि आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हो तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में चले जाना। प्ले स्टोर में आने के बाद ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है फोटो पिया फ्री फोटो, ये सेम टू सेम आपको यहाँ पे जो है टाइप करना है। सिर्फ आप फोटो पिया टाइप करोगे आपके सामने में इस तरीके का लोगो वगैरह दिखाई देगा इंटरफेस। तो वैसे तो काफ़ी सारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मौजूद है। यदि आप जो दूसरा एप्लीकेशन यूज करना चाहो, यदि आपको पहले से पता है तो आप उसको यूज कर सकते हो। यदि इस एप्लीकेशन को अगर आप यूज करना चाहो सेम एप्लीकेशन को, तो आपको इस एप्लीकेशन का सारा इंटरफेस ध्यान में रखना होगा, साथ ही साथ नाम जो है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद जो भी परमिशन वगैरह आपसे मांगेगा सारा का सारा परमिशन आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन को जैसे आप ओपन करोगे ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में 100% सही तरीके से वर्क करेगा। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन में आप इंटरनेट को बंद भी कर दोगे फिर भी ये एप्लीकेशन वर्क करेगा। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप सब दोस्तों को बिल्कुल समझ में आएगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आए तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।